अब ये जो आपको बैक साइड पर जो दीवारें नजर आ रही है, कमरे बने हुए हैं, ये वो गेस्ट हाउस है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, और आपको जाकर भी मैं दिखाता हूँ वो गेस्ट हाउस। बहुत अच्छी जगह, अभी आपको उसका सारी लोकेशन भी दिखाता हूँ जहाँ पर आज मैं ऐसे मेहमान हूँ। एक कमरा तो ये है, आप देख सकते हैं ये कमरा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसके साथ वाले कमरे में मैं रुका हूँ, ये कमरा कोई गायें भैंसों के लिए कुछ चारा वगैरह शायद कुछ ऐसा रखा हुआ है। ये आपको वहाँ का अंदरूनी व्यूज है। ये जो छत है बरांडा नुमा बना हुआ है, ये छत है। ऐसी छत है इस गांव में, तो कमरा तो नहीं है लेकिन बरांडा नुमा। अब जो मेरा कमरा है, जो मुझे रूम दिया गया जिसे मैं आज रात रुकूंगा, वो जी ये है। ये जो चारपाई आपको नजर आ रही है, ये मेरी चारपाई है, इस पर आज रात मैं रुकूंगा। ये मेरा गेस्ट हाउस है, इस कमरे में मुझे रहना है आज। ये है जी वो रूम, ये पंखा लगा हुआ है, इस रूम में मैं आज रुका हूँ। ये मेरा गेस्ट हाउस है, यहाँ से आप आसानी के साथ देख सकते हैं। ये वो चारपाई है जहाँ पर मुझे आज रुकना है, और ये वो मेरे दोस्त हैं, जानसार इनका नाम है, यूनस टेक्सटाइल कंपनी कराची में हमने 3 साल इकट्ठे जॉब करी है, तो आज इनके पास आया हूँ इनसे मिलने, तो आज मैं इनका ही मेहमान हूँ। तो ये जितना हो सकेगा मुझे घुमाएंगे, और मैं भी चाहता हूँ जितना हो सका यहाँ की चीज़ें देखूँ घूमूँ, क्योंकि फिर चक्कर कब लगेगा कब नहीं मालूम नहीं। ये जानसार है, जानसार भाई आप कुछ बात करेंगे? जो आप कह रहे हो अच्छी बात है, ये थोड़ा सा मेरे पास होकर बात कीजिएगा। चलेंगे, ये जमीन भाई हमारे पास आया हुआ है, और हम इसको जितना चाहिए हम इसको घुमाएंगे फिराएंगे, इसको मज़ा तो कोशिश करेंगे इसको मज़ा आ जाए हमारी तरफ से। और ये अच्छा बंदा, ये सही काम करता है, मेरे साथ 3 साल काम किया इसने, और जो है ना भाई बातें खुद आपके साथ ही करेगा जी। ये जान सर भाई ने थोड़ी सी बातें करी है, और ये मेरा लल्लू पुजू भतीजा, और ये इनका ये भांजा है, ये भतीजा है, ये वो भांजा है, इससे मैंने एक मुर्गा लेकर जाना है, लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा। जिसके हाथ में टायर है ना, वो देख रहे होंगे, इसे मैंने बोला कि मुझे मुर्गा दे दो, और ये जो मुर्गा नहीं दे रहा है, ये मुर्गा नहीं दे रहा, इसका नाम जामिन है, जामिन है, कह रहा मैंने इसे छोटा सा था उसके पाला हुआ, बड़ा मैं कैसे दे दूं, कोई और देख लो। अब इससे मैंने वो मुर्गा लेना है।